हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक कंप्लीट किया था, राइट? ओके, डी ब्लॉक हमने कंप्लीट किया था और एफ ब्लॉक हमें स्टार्ट करना है, डन? ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। देखो, चलो पहले जो बेसिक है वो देख लेते हैं। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हेडिंग क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली कहा ही जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे जो था वो कौन सा था? पूरा का पूरा एस ब्लॉक। ओके, और यहां पर ऐसे पीरियोडिक टेबल हम छोटा सा ड्रॉ कर ले, एंड यहां पर पूरा कौन सा था? बी ब्लॉक, एंड ये पूरा का पूरा क्या था? डी। और डी में से बीच में से निकाला हुआ था, यस। सो डी में से ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा डी। और डी में से यहां से निकाला हुआ है बीच में से, दैट इज एफ। तो या लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक है, राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक को यहाँ पे मेजर, मतलब यहाँ पे है मेटल्स, वहां पे है नॉन मेटल्स। हमने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में अगर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो ये जो डी ब्लॉक थे उनका नाम हमने रखा था इसका, जैसे कि एस ब्लॉक तो उसका रखा था एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप का नाम क्या रखा था हमने? से क्या रखा था? एस ब्लॉक ग्रुप वन अल्कलाइन मेटल्स, और दूसरे का अल्कलाइन अर्थन मेटल्स। ओके, अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन और से अल्कली, अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थन मेटल्स। फिर ये बीच में डी ब्लॉक थे तो उसको हम बोलते थे ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते थे? वो भी मेटल्स हैं लेकिन ट्रांजिशन, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है ना, मेटल में से नॉन मेटल में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब चेंजिंग हो रहा है। जैसे कि हम फेज चेंज प्रोसेस देखते थे, तो भाई सॉलिड में से लिक्विड में, सपोज जीरो वाटर है सपोज, तो आइस से वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये मेटल में से नॉन मेटल में चेंज हो रहे हैं, तो लेकिन है मेटल्स ही, चेंज हो रहा है लेकिन है तो मेटल्स ही, तो इनको हम बोलते थे इनर ट्रांजिशन और सिंपली ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल के अंदर से निकाले हुए ये जो है उसके लिए हमने नाम दिया था इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो एस ब्लॉक मेटल्स, पी ब्लॉक मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स भी वहीं पे है बीच वाले। ओके, डी ब्लॉक दैट इज द ट्रांजिशन मेटल्स, और उसके अंदर से डी ट्रांजिशन के अंदर से निकाले हुए, अंदर से इसलिए इनर वर्ड आ गया। हमारे कैसे, हमारे अंदर के कपड़े होते हैं तो हम कैसे बोलते, इनर ही तो बोलते। तो ट्रांजिशन तो उसमें से भी अंदर के निकाल दिए हैं, तो दैट इज इनर ट्रांजिशन मेटल्स। नाम तो यही है। ओके, नाम का मीनिंग हमें पता है, सो वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं क्या है, जाते हैं वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। दी एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, भाई इसमें दो सीरीज है। ओके, जिसको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स, दी 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग दी लेंथेनम। जो पहला है लेंथेनम, उसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स है, देखो क्यों 14? एफ ब्लॉक है हमारी, यहां पर एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने कितनी एस ऑर्बिटल होती, कितनी थी? एक एस ऑर्बिटल कितनी होती थी? सिर्फ एक। पी ऑर्बिटल्स कितनी होती थी? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स 3। ओके, सो 3। और फिर डी ऑर्बिटल्स कितनी होती थी? 5, और इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, एंड एफ में होते हैं 7, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। सब में दो दो आएंगे, हमारा ऑफ बाउ पॉली हुंड वो तो फॉलो होगा ही, तो सब में दो ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ 7 में 2, मतलब 7 2 14। तो ये F1 यहां पे, मतलब F ब्लॉक की 1 और F ब्लॉक की 2, तो इसमें 14 एलिमेंट्स एंड इसमें भी 14 एलिमेंट्स। ये 14 के पहले ये जो D है, यहां D में ये D1, ये D2, और ये जो D3 है उसमें पहला कौन है? लेंथेनम। लेंथेनम है, उसके बाद से, मतलब लेंथेनम आया कितना आता है? 57। ओके, तो ये 57 यहां पर है, और 57 के बाद डायरेक्टली आ जाता है हाफनियम। ओके, वो आता है कितना से? 72, डन। सो हाफनियम से डायरेक्टली 72, ये कहां से आ गया? ये बीच वाले कहां गए? बीच वाले ही तो एफ ब्लॉक में, तो बाकी 14 यहां पर चले गए। ओके, सो हम बोलेंगे 14, कभी हम बोलेंगे 15,
ओके, जैसे मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में हम रेफर करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लिखा होगा कि भाई 14 एलिमेंट्स, ओके, सो सीरियम से स्टार्ट करे किया होगा और ल्यूटेशियम तक, ओके, अगर पहले की बात करें तो लैंथेनम की बात करें और लैंथेनोइड सीरीज की बात करें तो लैंथेनोइड सीरीज में सीरियम से ल्यूटेशियम तक भी लिखा होगा और कई कई में क्या लिखा होगा हमारा लैंथेनम से ल्यूटेशियम, ओके, शॉर्ट में लालू, लैंथेनियम से ल्यूटेशियम वो भी लिखा होगा। तो एक्चुअली है, फिर हम क्या बोले 15 बोले या 14 बोले, तो भाई फंडा के हिसाब से तो 14 ही होंगे, फंडा के हिसाब से, क्योंकि एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में 14 ही होंगे ना, ओके, तो 14 ही होंगे, 7 है तो 7 ऑर्बिटल्स, 2 जा मतलब 14 हो जाएंगे, तो फंडा के अकॉर्डिंगली, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली 14 होंगे, लेकिन सीरियम के पहले भी हम ले लेते हैं ये लैंथेनम को, यहां ना रख के हम उसके साथ ले लेते हैं। क्यों उसके साथ ले लेते हैं? क्योंकि पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने किस पर्सपेक्टिव, हमने मतलब किस पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है, मेंडेलीव ने और बाकी जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या पर्सपेक्टिव रखा था कि जो भी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होंगे वो लोग साथ होंगे, ओके, जैसे कि ये एस ब्लॉक है तो ये ग्रुप वन है, तो ग्रुप वन के सारे वो लीना की रब से फरियाद, सारे के सारे जो है वो सारे के सारे की प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी सारी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब इन लोगों की कंपेयर में तो उनकी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है ग्रुप वन में, ग्रुप टू में देखने को मिलती है, फिर हमारे वो कैल्कोजन, हेलोजन, नोबल गैस, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर। तो वैसे ही हमारा ये जो लैंथेनम है उसकी प्रॉपर्टी, ये डी ब्लॉक के ये जो यहाँ पे 10 आएंगे ना, 57, फिर 72, 73, 74, 75, 6, 7, 8, जाएगा 80 तक, ओके? तो वो जो है ये लैंथेनम की कैरेक्टरिस्टिक्स इन लोगों के साथ जितनी मैच हो रही है उससे भी ज्यादा मैच हो रही है इन लोगों के साथ, इसीलिए वो लैंथेनम को उठा के आगे लिख दिया, तो 14 के आगे एक और बढ़ गया, तो टोटल कितने हो गए? 15. So because of this reason, different books takes different lanthanoid series. तो कोई लोग lanthanum से start कर देते हैं, तो lanthanum पहला और बाकी 14 elements. और कई कई जगह पे purely 14 elements ही दिखाते हैं, lanthanum को उसकी जगह पे ही रखते हैं. Done? तो otherwise हम बोलेंगे कितने? हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे? 15 बोलेंगे. क्यों 15 बोलेंगे? क्योंकि lanthanum की characteristics, properties वो इन लोगों से मैच हो रही है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट से मैच ज्यादा हो रही है, भले ही वो डी ब्लॉक का है, वो कहां का है? डी ब्लॉक का है, उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है, मतलब डी में नहीं है, उसके आगे हमारा एस है ना, ओके, तो लास्ट वाला तो एस में है, ओके, लेकिन एस भरने के बाद हम आए हैं डी में, वो तो हमें याद ही है सीक्वेंस, तो एस भरने के बाद हम डी में आए हैं और वो लास्ट, वो जो डी में भरते भरते आए हैं तो वो डी में है और वो डी की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है सबकी डी 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 डी, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ जो उसकी सिमिलरिटी है उससे भी ज्यादा सिमिलरिटी इन लोगों के साथ है, दैट्स व्हाई हम 14 की जगह 15 ले लेते हैं। डन, ओके, हाँ चलो, सो लैंथेनम के बाद वाले लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड्स द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग द एक्टिनियम, ओके, तो पहला लैंथेनम और एफ टू मतलब एफ ब्लॉक का दूसरा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? एक्टिनियम, ओके, एक्चुअली वो कहां पर है? लैंथेनम के नीचे ही है, तो लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड सीरीज, डन, ओके, सिंपल है, बिकॉज लैंथेनम क्लोजली रिसेंबल्स द लैंथेनॉइड्स, देखो वही रीजन आया है, क्लोजली रिसेंबल द लैंथेनॉइड्स, इट इज यूजुअली इंक्लूडेड इन एनी डिस्कशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स फॉर विच द जनरल सिंबल ln इज ऑफन यूज्ड, सिंपल है, ओके, प्रॉपर्टी सिमिलर है इसीलिए, वैसे ही तो हमने बोला था कि यहां पर ये जो थे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ओके, तो वो लोगों को तो हम गिनेंगे ही नहीं डी ब्लॉक में, हमने बोला ना कि उन लोगों को तो हम डी ब्लॉक में गिनेंगे ही नहीं क्योंकि वहां पर तो पूरा कंप्लीट ही हो जा रहा है, डी ब्लॉक में हम किसे रखते थे? ट्रांजिशन, तो यहां पर तो फुलफिल्ड हो जा रहा है, 3D10 हो जाता था, यहां पर भी 4D10, 5D10 वैसे हो जाता था, तो 10 हो जाता, फिर भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू द पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कंपेयर में इनके साथ थोड़ी बहुत भी मैच हो रही है, इसलिए जब भी हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को साथ में ही ले लेते हैं, अदरवाइज बाकी सब में तो एक 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 इलेक्ट्रॉन भी है डी ब्लॉक में जो हमारा पैर में नहीं है, सिंगल है,
ओके, लेकिन इन लोगों का तो पैर में ही है सब कुछ, 3D10, 4D10, 5D10, फिर भी उनको इसमें रखा हुआ है, वो देखा था ना हमने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था तब। ओके चलो, तो यहाँ पर वैसे ही लेंथेनम की प्रॉपर्टीज इन लोग के साथ मिल रही है, इसलिए उनके साथ रख देते हैं हम, उसको LN से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अ डिस्कशन ऑफ एक्टिनोइड्स इंक्लूड्स एक्टिनम बिसाइड्स द 14 एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द सीरीज, वो 14 तो अलग से और एक्टिनम अलग से, मतलब टोटल हो गए 15। The lanthanoids resembles one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. क्या बोल रहे हैं फिर से समझो ध्यान से। The lanthanoids resemble one another, मतलब एक दूसरे के साथ ज्यादा resembles, मतलब क्या ज्यादा similarity देखने को मिलती है। Lanthanum की जो सारे के सारे 14 है ना, उनकी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, किसके कंपेयर में, वो जो डी ब्लॉक वाले थे ना उनकी कंपेयर में। ओके, वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये तो इनर ट्रांजिशन है, ऑर्डिनरी ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक वाले, तो उनकी जो सिमिलैरिटीज है ना उनसे भी ज्यादा सिमिलैरिटीज लेंथेनम के एलिमेंट्स की है। ओके, वो बोल रहे हैं कि ज्यादा है। They have only one stable oxidation state. भाई जैसे D block में तो हमने कितनी सारी oxidation state देखी थी, +2, +3, +4, +5, +6, manganese को तो +7 तक ले गए थे हम। Okay, तो +7 तक की oxidation states देखी हमने D block में, लेकिन यहाँ पर सबकी stable oxidation state क्या है, +3। सिंपल हो गया ना। वहां पे कितना लंबा चौड़ा याद रखा हमने, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम के बाद टिटेनियम तो +2, +3, ओके +4, +5, +6 वैसे लिखा था ना, मैंगनीज को लिखा था +7, फिर क्रोमियम +6 वैसे आगे गए थे, वैनेडियम +5, तो वो कितनी सारी थी, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर भी मिलेगी लेकिन स्टेबल कौन सी है, +3। और कौन सी मिल सकती है, +3 तो आई है, मतलब सब लोग 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इनको हम M से डिनोट करें तो सब लोग स्टेबल कौन सी कंडीशन में बन जाएंगे, M+3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और वो लोग क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। डन, स्टेबल मतलब क्या, या तो उनका F0 हो जाएगा, या तो उनका F हाफ फील्ड मतलब 7 हो जाएगा, या तो फुल फील्ड हो जाएगा, F14 हो जाएगा। डन, ओके, तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो M+3 सब लोग। और क्या देखने को मिलती है, तो और M+2 में से वो जा सकता है कहां कहां पर, वो जा सकता है M+2 में भी जा सकता है, और वो जा सकता है M+4 में भी जा सकता है। डन, ओके, M+3 में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो M+2 में भी जा सकता है, और जितना M+3 है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M+4 में भी, वो जब हम डिटेल में अभी देखने ही वाले हैं। जितना डिटेल में हमने डी ब्लॉक पढ़ा है उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में एफ ब्लॉक नहीं है। ओके, छोटा सा ही कंसेप्ट। और क्यों क्यों हम इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे, चलो चलो जल्दी, क्या हुआ, कहां गए, पापा ने भी बहुत फोन किया, ऐसा बोल रहे थे, तो मैसेज देखा नहीं। हाँ चलो, सो डी ब्लॉक हम देख रहे थे और उसके बाद हम एफ ब्लॉक जस्ट स्टार्ट किए हैं। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं कि M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है किसमें, एफ ब्लॉक में, मतलब हम लेंथेनम की बात कर रहे हैं अभी, एक्टिनोइड्स की बाद में बात करेंगे। सो लेंथेनम में हमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कंडीशन में मिलती है, +3। उसके अलावा ये भी मिलती है, लेकिन यहां से भी वो लोग जाने की ट्राई कहां करेंगे, +3। +2 है, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया और वो बन जाएंगे +3। +4 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बन गए +3। ओके, वो यहां ये मिलती तो है लेकिन स्टेबल नहीं है, यहां से भी जाने की ट्राई वो +3 में ही करेंगे, वो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे तब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा चलो, सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, closely their stable condition and their chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series of otherwise similar elements. मतलब similarity तो है लेकिन उनके अंदर ये जो chemically change है, मतलब D block में जो change हो रहा है ना, अभी compare किया ना हमने D block की similarities के साथ,
कि भाई लेंथेनम की जो एलिमेंट्स की सिमिलरिटीज है वो डी ब्लॉक के जो ऑर्डिनरी ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी सिमिलरिटी से ज्यादा है। तो यहाँ पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता नहीं है कंपेयर टू दी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। वही सेंटेंस को घुमा के बोला है, दैट्स इट। ओके चलो, देन द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स, अब एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, और इसीलिए उसका बहुत ज्यादा, हाँ तो मैं वो बात कर रहा था कि क्यों डिटेल्ड में डी ब्लॉक हमने जितने डिटेल्ड में डिस्कस किया उतने डिटेल्ड में हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है। कौन सा? एफ वन लेंथेनम और एक्टिनम, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज इतनी डिटेल में नहीं है। क्यों? अभी रिसर्च चल रहा है अभी साइंटिस्ट को भी सारी बातें पता। एफ ब्लॉक का देखो हमें शेप भी नहीं पता, डी ब्लॉक तक का तो हम भी शेप भी नहीं, डिस्कस करते थे ना इलेवेंथ में, वो चैप्टर था कि भाई एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल है तो वो स्फेरिकल होती थी, पी ऑर्बिटल डंबल शेप, एफ डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप। ओके, लेकिन एफ पता ही नहीं वो पता ही नहीं। ओके, सो अभी भी रिसर्च गोइंग ऑन, करंटली रिसर्च इज गोइंग, इसीलिए अभी हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जितना हो गया है, जितना पक्का है, अभी चेंज होने वाला नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन पक्की है एफ ब्लॉक की उतनी ही हमें पढ़नी है। ओके, अभी जो लिखा हुआ है ना बुक में उससे भी ज्यादा रिसर्च हो गया है, लेकिन रिसर्च हुआ है मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आज रिसर्च कंप्लीट हुआ कल से पढ़ना शुरू, नहीं, उसके ऊपर भी रिसर्च होता है कि एक महीने, वन मंथ में, वन ईयर में वापस ये लोग घूम तो नहीं जाएंगे ना, अरे वो एक्सपेरिमेंट गलत निकला, नहीं 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 हम सब गलत, तो क्या ये इन लोग को पढ़ाया हुआ ऐसा बोलेंगे, लास्ट वन ईयर से जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब गलत था, ऐसा तो बोल नहीं सकते। वही तो, इसलिए अभी ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ना वो पक्का कब तक हो गया है, 2004-2010 तक का, 11 तक का। ओके, तब तक का पक्का है, उसके बाद तो कितना रिसर्च हो गया है, लेकिन अभी वो इंक्लूड हुआ नहीं है, उसके ऊपर 100% ऐसे थप्पा लग जाएगा तब जाके हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके चलो, हाँ, सो एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री एक्टिनॉइड्स की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द लेंथेनॉइड की। The complication arises partly owing to the occurrence of a wide range of oxidation states in these elements. भाई इनमें wide range of oxidation states मिलती है, whereas lanthanoid series में only plus 3 stable देखने को मिलती है, plus 2, plus 4 भी मिलती है, लेकिन stable सिर्फ एक ही है, कौन सी? plus 3, लेकिन actinoids में ऐसा नहीं है। जैसे D block में हमें मिलता था plus 7, plus 6, plus 5, वैसे बहुत ज्यादा मिलता है कहाँ पे? actinoids में, इसीलिए complications बढ़ जाता है, वो बोल रहा है कि उसका कारण, उसका रीजन क्या है। ओके, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी क्रिएट स्पेशल प्रॉब्लम्स इन देयर स्टडी, तो वहां पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी है, तो अगर पूछे ये एक मार्क, देखो ये एफ ब्लॉक में से बड़ी थियरी मोस्टली नहीं पूछेंगे, एक एक मार्क के या ज्यादा से ज्यादा दो दो मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्या कि एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री ओके डिफिकल्ट है और एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड सीरीज की केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है, व्हाट आर द रीजन? ओके, तो एक रीजन जो हमने अभी पढ़ा वो, और दूसरा रीजन कौन सा? रेडियो एक्टिविटी। ओके, मतलब दो ही वर्ड याद रखने हैं क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेडियो एक्टिविटी, दो वर्ड याद रखने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेडियो एक्टिविटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट उनके बहुत ज्यादा है, जैसे लेंथेनॉइड सीरीज में प्लस 3 ही है स्टेबल, लेकिन एक्टिनॉइड में बहुत ज्यादा मिलते हैं इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। दूसरा रीजन, लेंथेनॉइड में इतने रेडियो एक्टिव हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्टिनॉइड में रेडियो एक्टिव, जो वो हम पूरे के पूरे ग्रुप याद करते थे, लीना की रब से फरियाद, तो जो फरियाद की एफआर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बेटो मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये नीचे राजी का रेडियम जो है वो रेडियम रेडियो एक्टिव है। ओके, तो नीचे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो उनकी स्टडी को कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं। ओके, इसीलिए वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सबके एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई हो तो सेवेंथ वाली रो है। कौन सी रो? सेवेंथ वाली रो, वैसे सेवेंथ वाली रो मतलब सेवेंथ वाली रो तो डी ब्लॉक में आएगी, मतलब एफ ब्लॉक में लास्ट वाली है ऐसा बोल रहा हूँ, सेवेंथ वाली तो डी ब्लॉक में आएगी ना, लेकिन एफ तो उसके अंदर से निकले हुए हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है? ये एफ वन है, ये एफ टू है, तो ये एफ टू वाली जो है ना वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इनमें अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो SP और D की ही बात करें, उनमें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो सेवेंथ वाली रो है। ओके, चलो, तो ये रीजन पूछ सकते हैं कि क्यों ये कॉम्प्लिकेशन है लेंथेन, दोनों के दोनों F लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स तो भाई F ब्लॉक, एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स तो भाई F ब्लॉक, भाई दोनों ही F ब्लॉक के हैं,
तो क्यों इनकी केमिस्ट्री इतनी अलग है? तो ये दो रीजन, कुछ भी घुमा फिरा के पूछे तुम्हें ये दो रीजन लिखने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेडियो एक्टिविटी। दो वर्ड याद रखो, दो सेंटेंस लिख दो। नेक्स्ट, द नेम्स सिंबल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक एंड सम आयनिक स्टेट्स। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, वो हम पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक। समझ में आ गया? यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है क्या, the two series will be considered separately here, मतलब lanthanoid और actinoid को separately हम पढ़ने वाले हैं। जैसे D block में क्या, हमने सब कुछ एक साथ ही पढ़ लिया कि भाई 3D वाला भी पहले पढ़ लिया, मतलब 3D, 4D, 5D, 6D सब कुछ एक साथ ही पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। F block, तो F block में भी पहली सीरीज lanthanoid सीरीज को अलग से पढ़ेंगे, actinoid सीरीज को अलग से पढ़ेंगे। डन। तो ये इंट्रोडक्शन था, अंडरस्टूड?